let it bang. अब तक हमने किया है ये देखिए जी। चलिए दोस्तों, हमने ख़त्म कर चुका है ये। अब देखिए जी, ये है, अब इसको साफ करेंगे। तो ये ख़त्म हो चुका है, ज़्यादा नहीं था, ये छोटा सा खेत था, करीब 6 मरले का। तो 6 मरले चावल के खेत में कितना चावल निकला, इस बार कम निकला, नहीं तो 1 क्विंटल। इस तरीके से इसे साफ किया जाता है, इसका जो घास बीच में होता है वो बिल्कुल साफ ऐसे इस तरीके से होता है झाड़ों से। चलिए दोस्तों, त्रिपाल पड़ चुका है, अब हम जल्द से जल्द इसको निकालने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे बनिहाल के जिले में है ये, क्विंटल 1.25 क्विंटल तो निकलता ही था, 12-14 अभी बहुत है। तो अभी हम इसको और आगे बहुत सारा काम है अभी करना है, वो करके हम आपको दिखा देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, उससे क्या होगा कि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत पहुँच जाएगी। तो पार्ट 1 आपको मैंने पहले एक स्पेशल किस्म का जंगली एक बूटा होता है, तो उसकी डालियों को, छोटी छोटी डालियाँ होती, कलम होती है, उससे एक झाड़ू बनाया जाता है और इसे साफ किया जाता है, क्योंकि ये एक देसी तरीका है, इस तरीके से धान को देसी तरीका है निकालने का। तो अब तो खैर मशीनों से निकाला जाता है, खेत से ही भूसा जो है, यहाँ भूसे को काम आता है, ये भूसा जो है ये काम आता है डंगर खाने के काम होता है। पंजाब में तो वैसे ही ख़त्म कर देते हैं मशीनों से ही, यहाँ जला देते हैं, लेकिन जलाना गलत है, इससे अच्छा कि किसी के काम आ जाए, पोल्यूशन बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, हल्का हल्का झाड़ू मार दिया इसने, कितना साफ हो गया है। अब इसको इकट्ठा किया जाता है, त्रिपाल को इकट्ठा होएगा। हमारे साथ बने रहिए, त्रिपाल पड़ चुका है। ये हमने वानमुंड लगाया है, इसको कश्मीरी में वानमुंड बोलते हैं।
अब इतना बचा तो बहुत जल्द हम इसको खत्म करेंगे। पहले ये पार्ट टू है, तो ये कैसा लगा आपको पार्ट वन? अच्छा लगा कि पार्ट टू? आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। और आप कहाँ कहाँ से हमारे प्यारे भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें पसंद करते हैं वीडियोस को, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उससे हमें पता लगता है कि हमारे कितनी दूर तक हमारे व्यूअर है, प्यारे व्यूअर। चलिए ठीक है, अभी हमारे साथ बने रहिए। होएगा तो साथ साथ ये भी इकट्ठा होएगा, फिर उसके बाद फिर से घास निकाला जाएगा। इससे हम इसे यहीं पर सुखाएंगे और यहीं से साथ के साथ इसके चावल निकालेंगे फिर मशीन पे ले जाकर। तो अभी हम यहीं इसको धूप सुखाएंगे, क्योंकि गीला होता है, कुछ धान काफ़ी गीला होता है यहाँ पर, तो इसे सुखाना पड़ता है। उससे क्या होगा कि जब सूखा धान होगा तो वो टूटता नहीं है मशीन के अंदर। चलिए दोस्तों, आज वीडियोस को यहीं पर हम ख़त्म कर देते हैं। आपको वीडियो कैसे लगे आप ज़रूर हमें बताइए। तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है वीडियो चैनल का, नीचे जो लाल में लिखा होता है सब्सक्राइब, वो ज़रूर करना आपने। बेल आइकन दबाना, उससे क्या होगा कि हम जब भी नई वीडियोस डालेंगे तो आप तक वो तुरंत पहुँचेगा आप तक। तो चलिए दोस्तों, खुदा हाफिज़। हम किसी और वीडियोज़ में आपके साथ मिलेंगे, तब तक बाय।